बीजापुर कलेक्टर ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को भुगतान की प्रक्रिया जानने के लिए गंगालूर और चेरपाल का औचक निरीक्षण किया। सुदूर क्षेत्र चेरपाल और गंगालूर में नगद राशि प्राप्त करने भारी संख्या में तेंदुपत्ता संग्राहक पहुंचे थे। चेरपाल में कलेक्टर अनुराग पांडे ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक की राशि वितरित की। गंगालूर में पुसनार समिति के फड़मल्लूर, नैलपाल, हिमगुड़ा और अन्य फड़ों में भी भुगतान किया जा रहा था। कलेक्टर ने यहां भुगतान प्रक्रिया की पारदर्शिता की जांच की। कलेक्टर ने कहा कि शासन के नियमानुसार संग्राहकों को राशि वितरण किया जा रहा है। देखिए, जिले में तेंदुपत्ता जो है एक ग्रामीण क्षेत्र में की अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख साधन रहा है। अभी तक तेंदुपत्ता जो है शासन की नीति रही है कि वो जो है एक खाते में और आधार कार्ड के आधार पर वितरित करना, लेकिन कतिपय कारणों से बहुत से हमारे जो तेंदुपत्ता जो संग्राहक हैं उनके पास आधार कार्ड और खाता नहीं है। ऐसे लोग जो है उस अपने पारिश्रमिक से वंचित रहते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वन मंत्री जी तथा प्रभारी मंत्री जी द्वारा जो है इस विषय में विशेष रुचि लेते हुए एक बार के लिए जो है तेंदुपत्ता संग्राहकों को नगद भुगतान की व्यवस्था की गई है। इस नगद भुगतान के से जो है उनकी उन्हें लाभ के साथ जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। संग्राहकों ने पारिश्रमिक भुगतान के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया।